हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर 12। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। क्या है भाई, क्या बोला इसने? डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, तो डायग्राम से 90% चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी की पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। क्या बोला भाई, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। मुझे ए वाई बी सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा होता है भाई, ये वाला एरिया, यानी आर्क और कॉर्ड के बीच में, क्रॉसपॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड का बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो मुझे इस सेगमेंट का क्या करना है, एरिया निकालना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर, एंड एंगल एओबी, एंगल एओबी इज 120 डिग्री, यूज पाई एज 22/7। मुझे पाई का क्या यूज करना है, 22/7। ठीक है भाई, ये यूज करना है पाई की वैल्यू। ठीक है भाई, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये हम लोगों ने सीख लिया। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा भाई, ये पूरा मेरा एक सेक्टर है, ये पूरा मेरा क्या है, सेक्टर। इसका मेरे पास होता है फॉर्मूला, यानी मैं बात करूं ओ ए वाई बी, ये पूरा जो होगा ये मेरा होगा सेक्टर, और इसका एरिया निकल सकता है, मुझे इसका फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, हम एरिया निकालते हैं सेक्टर का, ये होता है थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। ये मतलब पूरा एरिया आ गया, और इसमें से अगर मैं क्या करूं, इस वाले ट्रायंगल एओबी का अगर मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, निकाल दूं इसमें से बाहर, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ यही तो बचेगा, ये पूरा था, इसमें से ये वाला मैंने निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ यही बचा। ठीक है, यानी मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है तो पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या है मेरे पास भाई। फर्स्ट है मेरे पास रेडियस गिवन है आपको सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, थीटा यानी एंगल एओबी आपको गिवन है, आप एओबी लिख देते हैं डायरेक्टली इसको, एओबी इज इक्वल टू 120 डिग्री आपको गिवन है। मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, तो इसके लिए मुझे पहले चाहिए सेक्टर का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, क्या चाहिए भाई, ओ ए वाई बी, इसको ओ बी वाई बी ए भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, बट सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओ वाई बी ए ऐसे लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए, वो कैसे भी कर सकते हो, ए वाई बी ओ लिख दो, बी ओ ए वाई लिख दो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा मुझे पता है कि वो है 120 भाई डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, इन टू पाई, पाई की वैल्यू मुझे यूज करनी है 22/7, बिल्कुल ठीक है भाई, इन टू आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा 21, और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 के स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, 21 इंटू 21, क्या इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 जा 12 3 जा होता है 36, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 3 1/3 आ गया, अब 7 1 जा 7 7 3 जा 21, इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा, बाकी मेरे पास बचा 22 इंटू 21। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं करोगे तो ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी अगर पड़ेगी तो बाद में भी कर सकते हैं, बट हो सकता है कि सिंप्लीफाई आसान हो जाए चीजें, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले इसको सिंप्लीफाई मत करो, तो इसको लिख लेता हूं एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया गया भाई, इस पूरे सेक्टर का, इस पूरे का आ गया भाई, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन आ गया। अब इसमें से मुझे निकालना है ये वाला पोर्शन, यानी ये वाले ट्रायंगल, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। अब ये एंगल है 120, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का सीखा था, मैंने क्या सीखा हुआ भाई, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो भी मैं निकाल दूंगा, बट मैंने ऐसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं सीखा। ठीक है, नहीं सीखा तो अभी सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे, देखो बस इस क्वेश्चन में यही चीज एक है जो अलग है, अदरवाइज बाकी सारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ नीचे, ये ट्रायंगल कुछ मेरी ऐसे है, ठीक है भाई, मैंने उसे उल्टा बना लिया, ये एंगल कितना है, दिस इज 120, ऐसे ही है, ये पॉइंट मेरा क्या है ओ है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है भाई, बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये मैंने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, तो हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट बी दिस पॉइंट इज सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मैंने क्या किया,
OC परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AB के ऊपर, एज इट इज मैं आपको यहां शो करके दिखा देता हूं अलग से, ठीक है, ताकि यहां थोड़ा सा हो जाएगा कि चीजें ज्यादा दिखेगी नहीं आपको अच्छे से, तो अच्छे से दिखने के लिए मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई। ये बनाने के बाद देखिए आप, अब मुझे पता है ये भी मेरे रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे रेडियस है 21 सेंटीमीटर, सेम है दोनों चीजें मैंने यहां बनाई है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करता हूं, कॉन्केंट प्रूव करेंगे हम, तो दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है OA इज इक्वल टू OB होगा, OA जो है किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, क्यों होगा भाई, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज OA एंड दिस इज ऑल्सो OB, तो आप लिख सकते हो इच इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इक्वल 21 सेंटीमीटर लिख दो, या फिर लिख दो रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों रीजन आप दे सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया भाई फर्स्ट। सेकेंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये वाले देखो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, यानी OC इज इक्वल टू OC होगा, OC इज इक्वल टू OC होगा, क्यों होगा भाई, इज कॉमन, और कुछ बचा भाई यहां पे जो मैं बता सकूं इक्वल होगा, अभी कुछ नहीं बचा मेरे पास, बचा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल मेरे क्या है 90 डिग्री, तो मैं इसको बोलता हूं एंगल 1, इसको बोलता हूं 2, और दोनों क्या है 90, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री, दोनों क्या है मेरे 90 डिग्री है, बिकॉज मैंने क्या किया था OC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AB के ऊपर, ठीक है भाई। इतना होने के बाद देखो अब दो ट्रेंगल्स हैं, एक साइड कॉमन है, दूसरी ये जो साइड है वो इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रेंगल बन गई, तो हाइपोटेन्यूज होगा इसके सामने, तो यहां भी हाइपोटेन्यूज है, तो हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था RHS क्राइटेरिया, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी कोई भी दो ट्रेंगल्स जिनमें एक राइट एंगल हो उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं कॉन्केंट होती है बाय RHS क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल OAC इज कॉन्केंट टू ट्रायंगल OBC बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी मेरी, क्या हो गई मेरी दोनों ट्रायंगल्स भाई, दोनों ट्रायंगल्स मेरी हो गई कॉन्केंट, ठीक है हो गया। इतना होने के बाद ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी कॉन्केंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AC जो है वो इक्वल होगा BC के, ये सुनो बिल्कुल होगा भाई, AC इज इक्वल टू किसके होगा BC के होगा बाय CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल पहली चीज। अब दूसरी चीज चलते हैं ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, अब देखो क्या ये एंगल मैं 3 बोल दूं, ये एंगल 4, क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं बोल सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, क्यों होगा भाई, अगेन बाय CPCT, 3 इक्वल टू क्या होगा 4, बट मुझे पता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा जो है वो है 120 डिग्री, ये सुनो इन दोनों का सम यानी टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री, दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ एंगल 3 प्लस 3 कर सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 3 इक्वल टू 4 है मेरा, इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 मीन्स 60 डिग्री। कुछ बच्चों को अंडरस्टूड होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो 3 और 4 इक्वल है, 3 प्लस 4 120 है, तो देयर फोर एंगल 3 इज इक्वल टू 60 एंड देयर फोर एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 60, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये चीज़ करने की जरूरत भी नहीं है कि आप पुट करके दिखाओ ये चीज़ें, अगर आपको अंडरस्टूड है तो ठीक है, अगर आपको समझ में आती है चीज़ें तो ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 3 और 4 60 आ गया। अब इतना जितना जो पार्ट हमने ये किया ना, इसको करने का एक और तरीका भी है ठीक है, कैसे देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और ये अगर मैं ट्रेंगल ओ ए बी की बात करूं तो दिस इज योर, ये कौन से टाइप की ट्रेंगल है, ये है मेरी सॉरी आइसोसेल्स ट्रेंगल, क्या है मेरी आइसोसेल्स ट्रेंगल, आइसोसेल्स ट्रेंगल कौन सी होती है जिसकी कोई भी दो साइड क्या होती है भाई इक्वल होती है ठीक है। तो अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं, वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो क्या होगा मेरा, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा और इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर आप ये रीजन दे सकते हो तो आपको इतना चीज नहीं करना पड़ेगा ठीक है, यानी इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली बोलूंगा ठीक है कि OAB ये आपको या तो ये करोगे या फिर वो वाला पार्ट करोगे, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से कैसे करोगे ठीक है।
तो आप अगर वो तरीका करना है तो आप क्या बोलोगे यहां पे, ओ ए बी इज एन आइसो सेल्स्ट्रेंगल, ये मेरी क्या है, आइसो सेल्स्ट्रेंगल है, ठीक है। अगर ये आइसो सेल्स्ट्रेंगल है एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन, और इससे पहले आप लिख दो कि इन विच ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, ओ ए क्या है मेरा, ओ बी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या किया, ओ सी मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो देयर फोर मैं बोल सकता हूं ओ सी इज ऑल्सो मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर, ओ सी इज ऑल्सो मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ, ऑफ एंगल ओ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या अगर ये मेरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो अगर मैं बेस, सिर्फ बेस की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों साइड इक्वल है, इट का मतलब ये मेरा बेस है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड, ठीक है भाई। तो अगर बेस पे अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, तो वो क्या होता है मेरा, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है भाई, और मीडियन भी वही होता है, सेम होते हैं तीनों, सिर्फ अगर बेस पे ड्रॉ किया जाए आइसोसेल्स ट्रायंगल की कंडीशन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ही सेम होते हैं, कहीं पे भी ड्रॉ कर दो वो सारे रहते हैं, बट इन केस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर और मीडियन तीनों सेम होते हैं, कब, जब मैं बेस के अपोजिट वर्टेक्स से उसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यानी कोई भी एक चीज, आपने ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप ये पूरा पार्ट कर लो या फिर ये कर लो, मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहती ये चीजें, ठीक है, इसके लिए ज्यादा ऐसे जाते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, जैसे आपको करना चाहे, ठीक है, आप कर सकते हो, आप ये वाला पार्ट छोड़ के आप डायरेक्टली वो कर सकते हो, ठीक है, अगर वो नहीं करना तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, ये आसान है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सबको। ये समझ में आने के बाद, अगर ये हो गया, तो इसके बाद यही करना पड़ेगा आपको, देयर फोर एंगल थ्री क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फोर भी 60 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। तो यहां से मैं इतना लिखने के बाद देयर फोर बोलूंगा, देयर फोर ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, दोनों इक्वल है, मतलब दोनों 60 60 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल क्या है 120, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, एक बार मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब जब मुझे पता लग गया कि ये मेरा एंगल जो है, ये है मेरा 60 डिग्री, ये कितना है भाई 60 डिग्री, तो आपने 8 चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये मेरे पास एक साइड गिवन है, एक एंगल है, तो क्या मैं बाकी की दो साइडें निकाल सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। मुझे कौन सी निकालनी है, अगर मुझे ओसी निकालनी होती है, देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये मेरी हाइट हो जाएगी, और पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर मैं इतना निकालूंगा, इसका डबल कर दूंगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूं ओसी, मुझे निकालनी है ओसी, मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ओसीबी, ओसीबी ले रहा हूं भाई, मुझे निकालनी है ओसी, बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे गिवन है ओबी, बिल्कुल ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अब एंगल कौन सा है, बस ये ध्यान रख लेना भाई, यहां गड़बड़ मत कर देना, एंगल मैं लूंगा ये 60 वाला, क्योंकि मुझे गिवन है, और एंगल के साथ क्या होता है मेरा, होता है बेस, तो यानी ये होगा मेरा बेस डिवाइडेड बाय 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, ये मेरा होता है कॉस थीटा, और कॉस क्या है भाई 60 डिग्री, कॉस क्या है 60 डिग्री, बस वैल्यूज पुट कर दो। ओ सी मुझे निकालना है, ओ बी मेरा 21 है, इज इक्वल टू कॉस 60 क्या होता है भाई, कॉस 60 होता है 1/2, इट मीन्स ओ सी क्या आ गया मेरा 1/2, और 21 उधर जाके इंटू 21, यानी 21/2 सेंटीमीटर, जल्दबाजी मत कर लेना भाई, एज इट इज रहने दो, कहीं डेसिमल में ले जाओ, ठीक है, एज इट इज रहने दो, लेंगे डेसिमल में भी। अब निकालना है बी सी, बी सी निकालो भाई, बी सी मुझे निकालना है, गिवन क्या है भाई, ओ बी, ओ बी मुझे गिवन है, अब क्या होगा भाई, अब मुझे पता है एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ओ बी तो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो पी बाय एच क्या होता है भाई, ये होता है मेरा साइन थीटा, और साइन क्या है 60
डिग्री, पुट कर दो वैल्यू। बीसी मुझे निकालना है, ओबी कितना है भाई, ओबी 21 अगेन इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2, 21 उधर ले जाओ तो बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 21 रूट 3 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। हो गया भाई, सिंपल है तो 21 उधर मल्टीप्लाई होगा 21 रूट 3, 21 रूट 3 डिवाइड बाय 2। लेकिन मेरा बेस ये नहीं है भाई, ये बेस लूंगा तो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, इसको डबल कर दो या तो एरिया को, या फिर क्या करूं मैं इस बेस को डबल कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चाहे आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो उसको डबल कर दो तो दोनों ट्रायंगल का निकल जाएगा, या फिर इस बेस को डबल कर दो, वो आपकी चॉइस है, कैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बेस डबल करना चाहूं तो ए बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी मतलब बी सी एंड दिस प्लस दिस, और दोनों क्या है इक्वल, मैंने बताया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, टोटल कितना हो जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस इज, यानी ये हो जाएगा 2 into 21 root 3 divided by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास आ गया 21 root 3 सेंटीमीटर। आ गया भाई, अब मुझे चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट हटा देता हूं एक बार मैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्रायंगल का एरिया, तो निकालो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या था, ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होती है भाई, हाफ तो एज इट इज, बेस बेस क्या होगा भाई, मुझे पूरी ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो बेस पूरा होगा, यानी ए बी, ए बी कितना है 21 रूट 3, 21 रूट 3 इनटू हाइट, हाइट मतलब ओ सी, ओ सी कितनी निकाली हमने, ओ सी अभी अभी निकाली हमने 21 बाय 2, 21 बाय 2, ठीक है भाई। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं यहां लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सेगमेंट का एरिया चाहिए भाई, ट्रायंगल का नहीं चाहिए था, ट्रायंगल का तो सेगमेंट के लिए निकालना पड़ा, तो निकाल दो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, क्या होगा भाई पूरा सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, किस सेक्टर को माइनस करना है, सेक्टर मैंने निकालता ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी माइनस ये डालता हूं, माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दैट्स इट, दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया मेरा 22 इंटू 21, ये आया था भाई। ये कितना आया, माइनस करेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, तो क्या है 1 बाय 2 इंटू 21 रूट 3 इंटू 21 बाय 2, ठीक है, जो कॉमन निकलता हो बाहर निकाल दो, बाकी चीजें एज इट इज अंदर रहने दो, 21 दोनों से बाहर आ रहा है, 21 मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा, यहां बचा 22 माइनस ये 21 आ गया बाहर, बाकी क्या बचा 21 रूट 3 और 22 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगर आपको रूट 3 की वैल्यू गिवन हो तो पुट कर दो, अदरवाइज एज ए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, मैंने दो तरीके बता दिए इसको करने के, ठीक है। देखो स्टार्टिंग और एंड एक जैसा ही है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के, इस ट्रायंगल के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए मेरे पास दो मेथड होंगे, ठीक है, निकालने के, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। और कुछ बच्चे इसमें शायद आर स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 4 एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 10th क्लास में आप वो यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि जब एंगल 120 होगा तो 2 थीटा हो जाएगा 240, क्या आपने 240 की वैल्यू देखी हुई है 10th क्लास में, नहीं, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो फॉर्मूला यूज ना करें आप इसको, आपको मैंने इसको करने के दो मेथड बताए, आप वैसे ही फॉलो करें दोनों मेथड्स, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।